अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और नाना को लेकर के जाना पड़ेगा वाराणसी। तो चलिए फिर देखते हैं। नाना जी को नोवा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। नोवा हॉस्पिटल वाराणसी के शिवपुर में है। यहाँ पर पहले भी हम कई पेशेंट को एडमिट करा चुके हैं। बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है, अच्छा खासा हॉस्पिटल्स है, सफाई वगैरह यहाँ पर बिल्कुल रहती है और ट्रीटमेंट भी बहुत ही बढ़िया करते हैं ये लोग। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, पूरा दिन रुकने के बाद अभी रात को 1 बज रहे हैं और यहाँ पर हम लोग आईसीयू के बाहर बैठे हुए हैं। ये हॉस्पिटल का रात का नज़ारा है और अंदर आईसीयू में सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ट्रीटमेंट चालू है। यहाँ पर अभी रात भर रुकना पड़ेगा, सुबह जब फिर से चेक किया जाएगा तो कंडीशन जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से आगे की प्रक्रियाएं की जाएंगी। सुबह जांच की रिपोर्ट आ चुकी है और बहुत ही आराम है पहले दिन के इलाज से। और चूंकि अब इनको डिस्चार्ज किया जाएगा, यहाँ पर लंग्स यानी कि फेफड़े से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके अंदर, उसका डेफिनेटली इलाज नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने फर्स्ट ट्रीटमेंट कर दिया है और आगे की प्रक्रिया के लिए एम्स लखनऊ में जाना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने जो चीज़ें बढ़ रही थी उसको रोक दिया है और जिससे कि काफ़ी आराम है। कुछ दवाई इन्होंने लिखी है, उसको ले जाकर घर पे खिलाया जाएगा। फिर आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर एम्स लखनऊ ले जाया जाएगा। अगर उतने से इलाज सही हो जाएगा तो फिर आगे नहीं जाया जाएगा।